बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त स्क्रीन पे जो मनाजिर देख रहे हैं आप, एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड की जानिब से जो पत्थारे वगैरह फुटपाथ के ऊपर मौजूद हैं उसे उठाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। नॉर्थ नाजाबाद का ये इलाका है। कौन सा ब्लॉक है? नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक जे, जहाँ पे इस वक्त इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। KMC के एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से इस वक्त फुटपाथ पर तजावजात के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। ये शॉपर वगैरह जो सामान में अभी उठा लिया गया था दुकानदारों का, ये वापस किया गया है। और मुख्तलिफ़ किस्म के जो फुटपाथ पर ये स्टैंड है और मुख्तलिफ़ पत्थारे और मुख्तलिफ़ किस्म के जो तजावजात थे उसे रिमूव करने के लिए कार्रवाई के मनाजिर अब इसकी पे देख रहे हैं। अपनी दुकानों से काफ़ी आगे बढ़कर लोगों ने तजावजात कायम किए हुए थे, और ना सिर्फ स्टॉल वगैरह बल्कि पक्के तजावजात, यानी लोगों ने फुटपाथ पे ग्रिल तक लगाई हुई थी, दीवार कायम किए हुए थे, किसी किस्म का पैदल चलना मुमकिन नहीं था फुटपाथ के ऊपर से। तो इससे इस दफ़ा ना सिर्फ सामान उठाया जा रहा है बल्कि जो पक्के तजावजात हैं इसमें दीवारें ग्रिल वगैरह इन्हें भी तोड़ा जा रहा है। काफ़ी आगे बढ़कर और फुटपाथ पर इस तरीके के तजावजात की वजह से जो ज़्यादा दुश्वारी का सामना, ये देखें आप दुकान कहाँ पर इनका और कहाँ तक इन्होंने दीवार कायम करके तजावजात किया हुआ है, मुमकिन ही नहीं है कि पैदल चला जा सके यहाँ से। तो इस मरतबा सख्ती तो ज़्यादा की जा रही है। ये पक्के इंक्रोचमेंट है, इसे भी तोड़ा जा रहा है और दीवार के साथ साथ ग्रिलें भी लगी। ये देखिए ये ग्रिल, ये जो पिलर देख रहे हैं ना आप, ये ग्रिल लगा करके फुटपाथ को क्लोज किया गया, पैदल चल ही नहीं सकते आप यहाँ से। तो ये ग्रिल वगैरह भी तोड़ा जा रहा है, सामान भी उठाए जा रहे हैं। दुकानदार हजरात का दुकानों के बाहर इंक्रोचमेंट करना इंतहाई अफसोसनाक, मैं कह सकता हूँ। दुकान के रहते हुए ये लोग दुकान के बाहर कारोबार कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल दुकानों के बाहर रख कर तजावजात करके। और अगर सड़कों का जायज़ा लेंगे तो आपको सड़कों पर मुख्तलिफ़ किस्म के ठेले, मुख्तलिफ़ किस्म के पठारे, फ्रूट के स्टॉल, मुख्तलिफ़ किस्म के सब्ज़ियों के, तो सड़कों के ऊपर अलग ही समा होता है और दुकानों के अतराफ जो फुटपाथ है वहाँ पर एक अलग ही मंजर देखने को मिलता है। मुख्तलिफ़ किस्म के तजावजात मुख्तलिफ़ अंदाज़ में कराची में और दीगर शहरों में आपको नज़र आएंगे, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। सड़कों के अतराफ मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के जो तजावजात ठेले और पथारे के सूरत में होते हैं, इनके लिए हर इलाके में एक जगह मख्तस करनी चाहिए गवर्नमेंट की जानिब से, जहाँ पर ये लोग अपना कारोबार कर सकें, क्योंकि लाखों लोग वाबस्ता है इन ठेलों से, इन पथारों से। तो हर इलाके में इनके लिए कोई एक मखसूस जगह इनके लिए होनी चाहिए, जहाँ पे ये लोग अपनी रोज़गार भी जारी रख सकें और लोगों को, क्योंकि इन ठेलों वालों से काफ़ी सहूलत भी मैसर होती है, चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं लोगों को। तो लिहाजा इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए कि जो सड़कों के तरफ में मुख्तलिफ़ इनके ठेले वेले के ज़रिए जो लोग कारोबार करते हैं, रोज़ी कमाते हैं, इनके लिए हर इलाकों में कोई एक मखसूस जगह पर इनको परमिशन देनी चाहिए कि वहाँ पर रह के ये लोग अपना कारोबार जारी रख सकें। निकालो, 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 निकाल
ऊपर डाल दो ऊपर डाल दो।